नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज FIR को सही माना है और आदेश दिया है कि इस मामले की जांच CBI करती रहेगी। कोर्ट के इस फैसले पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, देयर वी गो, फाइनली सुशांत केस में CBI जांच मिल गई, #CBI टेक्स ओवर। बता दें कि इस मामले में पिछले काफी वक्त से दिग्गज सेलिब्रिटीज और करोड़ों फैंस CBI जांच की मांग कर रहे थे। तो बता दें कि रिया ने बिहार में हुई FIR को गलत माना था और इस आधार पर रिया के वकील ने कहा था कि CBI को जांच का आदेश बिहार सरकार नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार देगी। ये मामला कोर्ट में गया और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और अब सुशांत के करोड़ों फैंस द्वारा #CBI टेक्स ओवर #ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है क्योंकि CBI को ये फाइनली केस मिल चुका है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत केस की सुनवाई अब CBI ही करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में पटना में दर्ज हुई FIR को भी सही बताया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स के साथ ही कई सारे सितारे ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी अंकिता लोखंडे ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही ट्वीट किया। अंकिता लोखंडे ने ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा कि सच्चाई की जीत हुई। इसके साथ ही अंकिता ने #हैशटैग में इस बात का भी जिक्र किया कि सुशांत के न्याय के लिए ये पहला सफल कदम बढ़ाया गया है। इसके बाद आपको बताते हैं, कंगना रनौत की टीम ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इंसानियत की जीत हुई, सुशांत के लिए लड़ रहे हर एक वॉरियर्स को शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तारीफ करते हुए कंगना ने ताली बजाने वाली इमोजी का भी इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनुपम खेर ने भी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जय हो जय हो जय हो। इसके साथ ही उन्होंने कुछ इमोजी का इस्तेमाल किया और #CBI4SSR और #JusticeForSushantSinghRajput उन्होंने ट्वीट किया है। सोशल मीडिया पर सितारों के साथ सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने भी इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की है। सुशांत के फैन पेज से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। उन्होंने लिखा कि आखिरकार CBI इन्वेस्टिगेशन #CBI टेक्स ओवर। ईडी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक केस से जुड़ी हुई डिजिटल एविडेंस जैसे कि सुशांत का मोबाइल फोन और लैपटॉप शेयर नहीं किए हैं। साथ ही इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी शेयर की जानी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी फिर से इस मामले में मुख्य संदिग्ध आरोपियों को समन भेजेगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का बयान इस मामले में उनसे सवाल पूछने में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ CBI के सूत्रों के मुताबिक CBI की SIT टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई रवाना होगी। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।